नमस्कार, स्वागत है आपका प्रयाज वेज किचन में। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही तीखी चटपटी और चटाकेदार सी चटनी की रेसिपी। तो क्यों ना हम इस लॉकडाउन में इस रेसिपी को तैयार करके रख लें, ताकि हम बाहर जाकर के बहुत सी शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं। तो हम इस तरह की चटनी अगर घर में बनाकर स्टोर कर लें, तो इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस चटनी को तैयार करेंगे। तो चलिए फिर हम धनिया की चटनी बनाएंगे, धनिया पुदीना की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले धनिया को इस तरह से धोकर साफ़ कर लेना होगा, और इसके बाद इसको बारीक काट लेने होंगे। तो हमने इस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके हमें चटनी बनानी है। तो ये है पुदीना के फ्रेश पत्ते, और ये है हरा लहसुन, और ये है अदरक, ये ग्रीन चिली, और यहाँ पे है ये टमाटर। तो चलिए ये सब तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट जो कि चटनी के अंदर जाने वाली है। तो अब हम मिक्सी जार में डालकर, और इसके बाद इसमें नमक भी ऐड कर दिया है मैंने, और यहाँ पे एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल हमने यूज़ किया। तो अब हम मिक्सी में डाल करके और इसको बारीक पीस लेंगे। तो ये जब हमारी चटनी बारीक पिस जाएगी, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बारीक पिसके तैयार हो चुकी है। तो एक तो हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी कि धनिया पुदीने की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम तैयार करेंगे धनिया और शिमला मिर्च की चटनी। तो चलिए अब हम दूसरी वाली चटनी भी तैयार कर लेते हैं। हमने दो तरह की चटनी बनाई है फ्रेंड्स, तो अब हमारी ये शिमला मिर्च वाली चटनी हम तैयार कर लेंगे। एक शिमला मिर्च हमने यूज़ किया है इसमें, इस चटनी में, और एक टोमेटो को हमने कट करके डाला है शिमला मिर्च में। और सेम इसी मेथड से नमक और मस्टर्ड ऑयल हम डालकर, और इसको भी हमने बारीक पीस लिए हैं। देखा आपने, कुछ ही मिनटों में हम इतनी बढ़िया सी चटपटी चटाकेदार सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे, और खूब सारा अगर हम घर में स्टोर करके रख लेंगे, तो इस लॉकडाउन में चाहे हम स्नैक्स बनाएं या पराठे बनाएं, कुछ भी बनाएं बना करके, और हम इजीली सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और कैसी लगी आपको ये तीखी चटपटी चटाकेदार चटनी की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और बढ़िया सी चटपटी चटाकेदार या फिर मीठी या कुछ तीखी रेसिपी के साथ। तो फिर मिलते हैं, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।